नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। जी हां, बिहार में इन शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई होने वाली है। FIR दर्ज कर लिया गया है और गिरफ्तारी भी हो सकती है, यानी अब जेल के पीछे जाएंगे ऐसे शिक्षक। हम बात कर रहे हैं फर्जी तरीके से बहाल होने वाले शिक्षकों की। फर्जी डिग्री देकर शिक्षक बन गए, अब उनकी खैर नहीं है। जी हाँ, मामला गोपालगंज से है। पहले भी और भी मामला आया था। अब 63 और शिक्षक इस सूची में शामिल हो गए हैं जिन्होंने फर्जी तरीके से शिक्षक की नौकरी ले ली, फर्जी डिग्री दिखाकर नौकरी ले ली, लेकिन अब ये पकड़े गए हैं। कार्रवाई शुरू हो गई है। गोपालगंज के DM ने आदेश दे दिया है FIR करने का, और जो नियोजन इकाइयां हैं वो भी अब फंसने वाली हैं। जिस तरह से नियोजन इकाइयों के खिलाफ भी जिन्होंने प्राथमिकी दर्ज नहीं की है, जिन नियोजन इकाइयों को आदेश दिया गया है उनके खिलाफ भी अब कार्रवाई की जाएगी। यानी फुल एक्शन में है शिक्षा विभाग। शिक्षकों की बहाली की बात हो रही है, 7वें चरण की शिक्षक बहाली होने वाली है बड़े पैमाने पर। उसके पहले सरकार ने नजर टेढ़ी कर दी है वैसे शिक्षकों पर जिन्होंने फर्जी तरीके से बहाली पाई है, फर्जी तरीके से नौकरी पाई है। तो ऐसे में 63 शिक्षकों का नाम सामने आया है गोपालगंज से। समझ सकते हैं कि एक जिले में इतनी बड़ी संख्या है तो अन्य जिलों का क्या हाल चाल होगा। यानी हजारों की संख्या में वैसे शिक्षक है बिहार में जिन्होंने फर्जी डिग्री पर नौकरी पाई है, लेकिन अब इनकी नौकरी जाने वाली है। नौकरी ही नहीं जाने वाली है बल्कि यूं कहें कि अब ये जेल भी जाने वाले हैं। जी हाँ, आपको बताएं पूरा मामला जो है, दरअसल ये गोपालगंज जिले से जो सामने आया है, जिसमें शिक्षकों की एक और सूची शिक्षा विभाग ने जारी की है, जिसमें 63 शिक्षकों के नाम हैं जिन्होंने फर्जी तरीके से पंचायत और प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाइयों से सेटिंग कर बहाली करा ली। जी हाँ, सेटिंग की गई नियोजन इकाइयों से। यानी जो नियोजन इकाइयां हैं वो भी इस मामले में फंसने वाली हैं कि आखिर इन शिक्षकों को नौकरी कैसे दी गई, सर्टिफिकेट की जांच क्यों नहीं की गई, बड़ा सवाल है। गोपालगंज के DM नवल किशोर चौधरी ने सभी शिक्षकों पर शिक्षा विभाग को FIR करने और कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, आदेश दे दिया है। DM की सख्ती के बाद शिक्षा विभाग की स्थापना के जो DPO है जमालुद्दीन ने बताया कि संबंधित नियोजन इकाइयों पर दर्ज करने के लिए, प्राथमिकी दर्ज करने के लिए रिपोर्ट भेजी गई है। 5 फरवरी तक सभी नियोजन इकाइयों को, संबंधित जो नियोजन इकाई है जिन्होंने फर्जी तरीके से शिक्षकों को बहाल कर लिया, के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करा दी जानी है। यानी DM साहब ने डेट तय कर दिया है कि जो भी फर्जी तरीके से शिक्षक बहाल हुए हैं उन पर 5 तारीख तक कार्रवाई कर दी जाए। ने साफ तौर पर आदेश दिया है और इसके बाद अब हड़कंप मच गया है शिक्षा विभाग में। जिस तरह से बड़े पैमाने पर शिक्षक बहाली में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है, वैसे में हड़कंप मचा हुआ है, खासकर उन शिक्षकों पर जिन पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है, जिन पर FIR दर्ज किया जाएगा। FIR दर्ज करने के बाद सबसे पहले तो इन शिक्षकों की नौकरी जाएगी, उसके बाद आपको बताए कि इन शिक्षकों के विरुद्ध FIR दर्ज करने के बाद इन पर गिरफ्तारी की कार्रवाई भी की जाएगी। तो शिक्षक जो है, जिस तरह से फर्जी तरीके से नौकरी उन्होंने ली है, लेकिन अब वो बचने वाले नहीं है। तो 7वें चरण की शिक्षक बहाली के पहले ये बड़ी खबर है। जिस तरह से जो फर्जी बहाल शिक्षक है उन्हें अब छटनी की जा रही है, क्योंकि 7वें चरण में जिस तरह से नई नियमावली बनाने की बात है और नई तरीके से ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत शिक्षकों के नियोजन को अंजाम दिया जाएगा, किया जाएगा, तो ऐसे में वहां बहाली में फर्जीवाड़े की कम उम्मीद है। लेकिन जो पहले से फर्जीवाड़ी तरीके से शिक्षक बहाल है, अब उनकी खैर नहीं है।